Sethji. मैंने सब तैयारी कर ली है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ, ठीक है? बचाई कौन है देश में? अरे वो सेठजी को तो मैंने ठिकाने लगा दिया। अरे उसके तीनों बेटे और उस गौरी को ठिकाने लगाना है। तू मारेगा सेठजी को धोखेबाज? बाजी, मुझे कोई बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। अरे खड़े रहने की औकात नहीं है आपकी, सेठ जी की गद्दी क्या संभालेंगी आप? आज से देवसु और सेठ जी की गद्दी मेरी, बहुराव की। लेकिन अगर सेठ जी नहीं आए तो पूजा करवाएगा कौन? मैं कराऊंगा पूजा। सेठ जी आपको उठना होगा, दिखाना होगा भावराव और नागेश को एक औरत क्या कर सकती है। भावराव, क्या बात है नागेश भाव, 100 साल जियोगे 100 साल। आपकी बात करा था इनसे मैं। ऐसे मायूस क्यों खड़े हो? अपने जमीन के नए मालिक का स्वागत नहीं करोगे? के खजाने के रास्ते का नक्शा है। तुम्हारे सेठ का इससे खत्म करेगा तू, कीड़े पड़ेंगे तुझे। याद रख भावरा, पाप का घड़ा जितना गहरा होता है ना, उसका बोझ उतना है। बदल लिया। बहुत देर लगा दी आने में तुमने देवी। देखा कितनी खिचखिच हो रही थी, अब देखो कैसे शांति होगी। क्यों है? अरे मुनीम, इसका अंगूठा तो लगवा ही नहीं। ला पेपर दे। लाओ लाओ। क्यों बे, तुम्हारी बीबी है क्या? चलो लेके जाओ, लेके जाओ जल्दी। क्या है, मैं ज्यादा खून देख नहीं सकता। हाँ। तुम्हें देखना पड़ेगा नागेश, तुम्हें देखना पड़ेगा। तुमने एक निर्दोष औरत को मार डाला, तुम दोनों का अंत बहुत नजदीक आ चुका है और तुम देखोगे। तो जब हमारी सेठ जी तुम्हारे सामने तुम्हारे काल बनकर खड़ी होंगी और तुम दोनों के पापों को न्याय की तराजू में तोलेंगी। तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तुम देखोगे। तुम देखोगे नागेश, हमारी सेठ जी महादुर्गा का रूप लेके तुम दोनों का विनाश करेंगी। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। गलत नक्शा नहीं, गलत सवाल लेकर आई हो देवी तुम। नहीं तुम्हें खजाना मिलेगा, नहीं देवसु के सेठ जी की गद्दी, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अचंभित होने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम्हें सेठ जी से बचने का रास्ता चाहिए और उस रास्ते को ढूंढते ढूंढते तुम इस रास्ते पर आ गई हो देवी। लेकिन तुम्हें तो आना ही था देवी, मुझ तक रास्ता ढूंढने का साहस और दुस्साहस सिर्फ तुम में ही तो था, सारे देव सुन। पापा जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? पुण्य करने वाला सुर और पाप करने वाला असुर, सुर और असुर ये दोनों तो है उसी की संतान ना। सुर को अगर राज करने का अधिकार दिया तो असुर को राज छीनने का। उस परम शक्ति के अनुसार ये दोनों एक ही बीज के दो फल हैं। अधिकार तो दिया लेकिन आशीर्वाद तो नहीं दिया ना, इसीलिए तो मेरी सारी की सारी कोशिशें बेकार हो गई।
आज बलिदान, मुझे सब दिखाई दे रहा है। तेरी असली इच्छा क्या है? तुम जिस इच्छा की पूर्ति के लिए मेरे पास आई हो, सब मिलेगा, लेकिन तुझे राज बलिदान देना होगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं महाकालाय स्वाहा। यहां वहां देखने से खजाना नहीं मिलेगा मूर्ख, यहां सिर्फ जवाब मिलते हैं। और वैसे भी असली खजाना तो देवसु ही है, और सेठ जी की गद्दी उस खजाने की असली चाबी। क्या देवसु असली खजाना है? लेकिन बाबा जी, मैंने तो सुना है कि परसों से खजाना तो इन गुफाओं में है। खजाना 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 पाने के लिए उसके लायक बनना पड़ता है देवी। मूर्ख है तू, तुझे क्या चाहिए वो तुझे खुद पता नहीं। मेरा समय व्यर्थ कर रही है तू। खड़ी हो जा, चल भाग यहां से, भाग। नहीं बाबा, नहीं, माफ कर दीजिए बाबा जी, बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। आगे सेठ, ये जमीन मेरी माँ है, मैं मर जाऊंगा मगर इस पे अंगूठा नहीं लगाऊंगा। मुझे लगा ही था कि तू मर जाएगा लेकिन अंगूठा नहीं लगाएगा। अब क्या करेगा, जल्दी से अंगूठा लगवा। सोच क्या रहा है? अपनी बहन को मरने देगा जमीन के लिए? अभी सेठ जी को मार के एक गद्दी खाली करवा देता हूँ। एक बार सेठ जी को मार दू फिर ये गद्दी भावराव की, मतलब आपकी हुई ना। ले भाई, तू ही मार जा। सेठ जी, आपको आपके देवर भावराव का आखिरी नमस्कार। क्या है ना, अब आप जा रही हैं विनायक दादा के पास, उनको भी मेरा नमस्कार बोलो। अलविदा सेठ जी। हाँ खन्ना, बोल क्या चाहिए? मैं उल्लुओं से बात नहीं करता, जा जाके महक को बुला के ला। महक नहीं आएगी, उससे बात कर। महक, साइन करो, हमारे डिवोर्स पेपर्स हैं। ड्राइवर, नहीं नहीं गाड़ी दो, हम चलाएंगे। ये तेरे से नहीं खा गई। क्या बात है, दरवाजा खुलते ही प्रसाद भी मिल गया। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा तुम दादी और बाकियों के साथ बैठी होगी। नहीं, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार कर रही थी? तो थोड़ी देर और रुक लो। का मतलब? मतलब यो माय टॉनिक। थकी हुई आंखों से जब तुम्हें निहारता हूँ ना तो आंखों में अपने आप चमक आ जाती है, इसलिए थोड़ी देर रुक जाओ।
बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे ये इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। एक मिनट, मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए टॉलरेट नहीं कर सकता, समझी तुम? क्या दी, क्या करें सर, अगर आप लोग नहीं लड़ेंगे तो आज की पार्टी बहुत बोरिंग हो जाएगी। मैं तो आपकी लड़ाई में अपना टाइम पास ढूंढ रही हूँ। एक साल पहले जो मैंने तोड़ा था, आज वही जोड़ने फिर से आई हूं। जिस दिल को पत्थर मैंने किया था, आज उसी पर मरहम लगाने लौटी हूं। जानवी, तुम घर में किसी को कुछ नहीं बताओगी मेरी रिपोर्ट के बारे में? मुझसे प्रॉमिस करो प्लीज। तुम्हें चीनी पीने की कसम, तुम इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो जानवी, पर प्लीज किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? पर एक शर्त है।